हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल आफ्ताब ब्लॉग्स। और आज का भाई ब्लॉग होने वाला है काफ़ी अच्छा होने वाला है। आज तक आपने बहुत सारे किले देखे होंगे, ताजमहल देखा होगा, सफ़ेद कलर का लाल किला देखा होगा, पर आज जो हम तुमको दिखाएंगे ना यार, काफ़ी औसम चीज़ है, काला ताजमहल। आज मैं खुद चौंक के रह गया था कि यार काला ताजमहल क्या चीज़ है, तो मैंने सोचा ज़रूर उसको विजिट करके आएंगे, तो आपको विजिट कराते हैं। चलते फिर अंदर की तरफ। और भाई आज के जो हमारे गाइड है ना, अब मैं दिखाता हूँ क्या कर रहे हो। ये भाई साहब दिवाले तराश रहे हैं और ये पढ़ रहे थे, क्या लिखा है? आई लव यू मुस्कान लिखा है भाई। ये भाई यहाँ पे लिखा है भाई वार्निंग, जो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। फिर काले ताजमहल की तरफ, ये है इखलास खान का मकबरा। ताजमहल जो है वो भी एक मकबरा ही है, और ये जो है ये भी मकबरा ही है, ये इखलास खान का है। अभी तो चलते हैं फिर अंदर की तरफ, एक्सप्लोर कराते हैं पूरा का पूरा। तो भाई पहले हम आपको पूरा नीचे से घुमाएंगे, और ये काफ़ी औसम सा लग रहा है। यहाँ से आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कितने अच्छे व्यू आते हैं, और ये देखने में यार ऐसा लगता है कि अभी 50 साल के अंदर ही तैयार किया गया हो। काफ़ी मतलब एकदम नया सा है यार, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले आपको बाहर घुमाते हैं, उसके बाद आपको अंदर लेके चलेंगे। तो चलते हैं फिर। अभी भाई आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ चारों तरफ से कैसा देखने में। बहुत यार मतलब पुराने ज़माने की चीज़ है ना, काफ़ी मतलब हिस्ट्रिकल भी थी और काफ़ी अच्छी भी थी यार, मज़े तो पुराने लोगों के थे। और भाई इसकी जो ऊंचाई है ना, वो 171 फीट है यार। और भाई इसकी गुम्बद जो, वो भी बहुत बड़ी है यार। अभी आपको ऊपर दिख रहा है, ये मकबरे का मेन गेट है यार, काफ़ी बड़ा है, लेकिन अब जो यहाँ पे गेट तोड़ दिया गया है, फिलहाल अंदर की तरफ चलते हैं फिर एक्सप्लोर कराते हैं। भाई वैसे तो सब कुछ देख चुके हैं, इसका ऊपर का हिस्सा और देख लेते हैं यार। ओ भाई आप देख सकते हो, मतलब इसकी पेंटिंग यार अभी भी है, मतलब छूट चुकी है, लगा ज़्यादातर छूट चुकी है, लेकिन भाई अभी भी है, और देखने में यार एकदम क्रिएटिव है। आप देख सकते हो यार इस चीज़ को, एक बार ज़रा इमेजिन करो यार, सोचो जब ये काला ताजमहल इस पूरी पेंटिंग से अगर ये भरा हुआ होगा, मतलब पूरी पेंटिंग इसमें ये छोटी नहीं होगी, तो यार कैसा दिखता होगा यार, देखने का नज़ारा यार सोच भी नहीं सकते हम, कल्पना नहीं कर सकते, बस सिर्फ देख सकते हैं इस चीज़ को। काफ़ी यार मतलब डिज़ाइन जो है वो काफ़ी हिस्ट्रिकल से हैं यार इसके। अब इस पेंटिंग आपसे सिर्फ गेटों पर मिलते हैं यार, बस इस पेंटिंग आपसे सिर्फ गेटों पर मिलते हैं और बाकी कहीं नहीं मिलते हैं। गेट और थोड़ी ये ऊपर हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर मिलते हैं, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है लगभग। तो आप चलते हैं भाई ऊपर की तरफ, ऊपर से दिखाता हूँ यार, काफ़ी अच्छा व्यू है। चलते हैं फिर ऊपर की तरफ बहुत जल्दी। भाई ये है यहाँ का जीना ऊपर जाने के लिए, जो यार काफ़ी अंधेरा है, लेकिन चलते हैं फिर भी देखते हैं। और यहाँ पे भाई चमगादड़ बहुत हैं यार, ये थोड़ा जीना सेफ़ है क्योंकि यहाँ पे गंदगी नहीं है, और बाकी चार जीने और हैं यहाँ पे, तो उनमें चमगादड़ वगैरह हैं यार, काफ़ी अंधेरा हो गया। हम भाई गलती से घुस गए थे चमगादड़ वाले में, अब हमने वहाँ पर लोगों से बात की, तो बोले इधर से नहीं इधर से जाओ, तो हम यहाँ से आए हैं भाई। चलते रहो यार ऊपर की तरफ। तो फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं ऊपर की तरफ, और यार ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है यार, मतलब सोच नहीं सकते यार, इमेजिन करो काफ़ी ऊंचा है यार, और इधर नीचे, और यहाँ से शहर भी काफ़ी अच्छा दिखता है, जो कि आप देख सकते हो। आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है यार, क्योंकि यहाँ पे हवा चल रही है, तो उस चीज़ से यार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। इस तरफ और जहाँ हम खड़े हैं भाई, उसकी ऊंचाई काफ़ी है, और जो यहाँ गुम्बद है वो काफ़ी ऊंची है, जो कि 171 फीट के आसपास है, और हम जहाँ खड़े हैं लगभग मुझे लगता है कि हम 160 के आसपास खड़े हैं। और अभी गुम्बद की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगर ऊपर चढ़ने का रास्ता होता है, वैसे एक छोटा सा रास्ता दिख रहा है, तो वहाँ तक चलते हैं।
ये है भाई नीचे का एरिया और ये गुम्बद पे चढ़ने का रास्ता है। और भाई एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ की दीवार कितनी चौड़ी है देख सकते हो यार, दीवार काफ़ी चौड़ी है यार। और चलते हैं फिर ऊपर की तरफ, देखते हैं कहाँ तक चढ़ पाते हैं। तो चलते हैं भाई, और ये हमारे गाइड जो है वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ। ओह भाई, फिलहाल भाई हम पहुँच चुके हैं ऊपर की तरफ और हम आपको दिखाते हैं पूरा घूम के। तो चलिए मेरे साथ घूमते हैं यार। फिलहाल भाई हम पहुंच चुके हैं ऊपर और जहां हम खड़े हैं यार उसकी ऊंचाई लगभग 160 फीट है। और बाकी ऊपर जो काफ़ी ऊंचा है और रास्ता भी नहीं है जाने के लिए, क्योंकि गुम्बद है जो कि आप देख सकते हैं वो ये है यार। बाकी पीछे इधर भी गुम्बद है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और उधर भी एक पीछे साइड में, बैक साइड में अगर जाओगे तो वहाँ भी एक गुम्बद है। तो अभी आपको पूरा एक्सप्लोर करा चुका हूँ जितना कुछ है, बाकी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर यहाँ घूमने आना चाहते हो भाई आ सकते हो। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में बहुत जल्दी, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।